हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन क्लास 8th सैंपल पेपर नंबर 2। इस तो पहला आप एक सैंपल पेपर अपलोड कर चुके हैं जिंदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच पे है, उत्थे तुसी सैंपल पेपर देख सकते हो जां तुसी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो साड़ी ऐप तो। साड़ी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच है, या तुसी प्ले स्टोर तो सर्च कर सकते हो पैरी स्टडी ऑनलाइन, 5वें नंबर पर अपनी ऐप आएगी, उन्होंने डाउनलोड करके तुसी सैंपल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो पेपर से आप थोड़ा निगाह मारते हैं, 40 नंबर का पेपर आएगा, 1.5 घंटे का, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पहले च आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, दूजे को आप इवैल्यूएट करना है, ठीक है। सोल्यूशन तुहानू प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे साड़ी ऐप के उपर ही। उस तो अगला क्वेश्चन आप इवैल्यूएट करना है, -3/4 को 5 टाइम्स लिखांगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का इक्वल होंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। उस तो अगे मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला की होंगे बी स्केयर इक्वल टू ए सी, मतलब बी स्केयर इक्वल टू 4 × 9, तो बी स्केयर इक्वल टू 36, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 6 आ गई। ओके, तो मीन प्रपोर्शन कितना आ गया, 6 आ गया। तुसी रेशियो एंड प्रपोर्शन क्लास 6 के पढ़ चुके हो, मीन प्रपोर्शन किवें फाइंड करीदा, जां तुसी सिंपल जा फॉर्मूला याद रख सकते हो बी स्केयर इक्वल टू ए सी। ओके, उस तो अगला क्वेश्चन क्यूबॉयड इज मेड बाय डैश रैक्टेंगल, क्यूबॉयड किन्ने रैक्टेंगल तो मिलकर बनता है, 6 रैक्टेंगल तो। हाउ मैनी वर्टिसेस डज अ स्फीयर हैव, स्फीयर दे विच कोई वर्टेक्स होंदा, नहीं होंदा, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। वट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रीलेटरल, किसी क्वाड्रीलेटरल दे इंटीरियर एंगल का सम कितना होंदा, 360 डिग्री, 360 इज द आंसर। ओके, तो जिन्हें एम सी क्यू है बिल्कुल सिंपल है, पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी सी, उन आंसर की सी 3/5, इनका मतलब 1 + 1/1 इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इनू आप किवें लिखांगे, -3/4/5 इनका आंसर आएगा अपने को -243, थले कितना आ गया अपने को 64, 64 नाल मल्टीप्लाई करो, सॉरी 16 16 नाल 256, 256 फिर 4 नाल करो, तुहाडे कोल आंसर कितना आ गया, 1024। ओके, तो थर्ड दा अपने कोल इह आंसर है, बाकी आप आंसर डिस्कस कर चुके। ओके, उस तो अगे क्वेश्चन नंबर 9, किसी सिलेंडर दे विच फेस किन्ने हुंदे आ, एज किन्ने हुंदे आ, वर्टेक्स किन्ने हुंदे आ, इह तुसीं दस सकदे हो। ओके, फेस किन्ने हुंदे आ, एज किन्ने हुंदे आ, ते वर्टेक्स किन्ने हुंदे आ। उस तो बाद क्यूब का साइड व्यू, फ्रंट व्यू, तो टॉप व्यू, क्यूब 6 स्केयर तो मिलकर बनती है, तो सारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, ये आ गया टॉप व्यू, ये साइड व्यू, ये की आ गया फ्रंट व्यू। उस तो अगे एक रैक्टेंगल तुसी बनानी है, सिंपल जहा कम है, ठीक है। पहला तुसी एक लाइन बनाओगे, इनके उपर 90 डिग्री, इनके उपर 90 डिग्री, फिर कंपास की हैल्प नाल 7.2 से कट कर दोगे, फिर इन्होंने ज्वाइन कर दोगे, तुहाडी की होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। ओके, उस तो अगे डायरैक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन अपने को, 10 बॉटल का वेट किन्ना, 2.5 kg, तो 8 का कितना होएगा, आंसर कितना आएगा, 2। ओके, 2 kg अपने को आएगा आंसर आएगा। उस तो अगे फैक्टराइज करना है, पहले दोवों चो कट लो कॉमन, दूजे दोवों चो कॉमन कट लो, तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उस तो अगे 200 किलोमीटर आप स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखना है, ठीक है, पहला सेंटीमीटर लिखो, उस तो बाद लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो तुम याद रखो 200, 1 किलोमीटर च मीटर किन्ने होंगे 1000, 1 मीटर च किन्ने सेंटीमीटर होंगे 100, तो कितना आ गया 2 × 2 = 4 × 5, तो कितना आ गया अपने को 7, 2 × 10⁻⁷, ये अपने को आ गया आंसर। उस तो अगे P/Q की वैल्यू दी है, आपां नूं पता ए तो कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि किसी की पावर 0 कितना होंदा, 1 होंदा, तो P/Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3⁻³, मतलब 8/27। उन्हें पूछा की है P/Q का स्केयर, तो आप दोवों साइड स्केयरिंग कर देंगे, आंसर कितना आ गया 64/729। ओके, 8 का स्केयर 64 होंदा, 27 का स्केयर 729 होंदा। ओके, उस तो अगे इफ 20 शीप कैन ग्रेज अ फील्ड इन 30 डेज, हाउ मैनी शीप विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 15 डेज, इनवर्स प्रपोर्शन का अपने को क्वेश्चन है, ठीक है। 30 दिनों के भी भेड़ा किसी मैदान को खाली कर दें, 15 दिनों के खाली करने कि भेड़ा की जरूरत पैगी, तो आप लिखांगे 40, इनवर्स प्रपोर्शन का अपने को आंसर है। ओके, क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16, किसी सॉलिड के 4 फेस है, 4 वर्टेक्स है, आप नंबर ऑफ एज पता करने हैं, तो आप फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला की है V+F − E = 2, ये कितना आ गया 4 + 4 − H = 2 आ गया, 2 आ गया,
तेनों सॉल्व कर लो, एज कितना आ जाएगा तुहाडे कोल 6 आ जाएगा। ओके एज कितना आ जाएगा तुहाडे कोल 6 आ जाएगा। ओके उस तो अगला क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम बनाना है जिन्हें साइडा कि 4.3 ते 5.2। पहला तो 4.3 बनाओगे, इतने कोई एंगल बना लो सेम ही इतने एंगल बना लो। ओके जे आ 60 डिग्री है तो आ एंगल भी कितना होना चाहिए 60 डिग्री, फिर लाइना की होगी पैरल। उस तो बाद कंपास नाल 5.2 ते कट कर दो, फिर इन्हों की कर दो जॉइन कर दो। ओके उस तो अगे क्वेश्चन नंबर 18 क्वाड्रीलेटरल बनानी है जिन्हें एक दो तीन दो साइडा दिखाई तो तीन अपन की दिते हैं एंगल दिते हैं। ओके उस तो अगला क्वेश्चन 10.3 का काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ट्रेन पोल नू 2 सैकेंड च पास करती है तो प्लेटफॉर्म जो 100 मीटर लौंग है 9 सैकेंड च पास करती है, आप ट्रेन की लेंथ एंड दी स्पीड फाइंड करनी है। डायरैक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उत्तों तुम वीडियो की कर सकते हो देख सकते हो। नैक्सट फैक्टराइज करना एम पावर 4 माइनस एन पावर 4। ओके तो इनका आंसर मैं लिख देना एम प्लस एन मल्टीप्लाई एम माइनस एन मल्टीप्लाई एम स्केयर प्लस एन स्केयर। फैक्टराइजेशन की वीडियो भी अवेलेबल है उत्तों तुम देख सकते हो। ओके उस तो अगला क्वेश्चन कहना -1/2 पावर -1 के नंबर मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाए, तो तुम लिखोगे किवें 1/2 पावर -1 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू कि आ गया -4/7 पावर -1। ओके इनू तुसी सॉल्व करके आंसर देख सकते हो, थोड़ी जी मिसटेक होगी क्वेश्चन के नंबर गलत हो गए, चलो कोई गल नहीं सॉरी फॉर दैट। नैक्सट वीडियो आप अपलोड करांगे संडे। थैंक यू वेरी मच।